दोस्तों एबीसी आईडी के अंदर आपका कॉलेज का नाम शो नहीं हो रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो बने रहिए इसी वीडियो में। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, इसमें मिलेगी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आप भी एबीसी आईडी बना रहे हो और उसमें जब आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम भरना चाह रहे हैं और आप भर रहे हो अपना कॉलेज का नाम, लेकिन आपका कॉलेज का नाम तो आ ही नहीं रहा, तो ऐसे हाल में क्या करेंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आप एबीसी आईडी बना रहे हो उस समय आपका कॉलेज का नाम नहीं भरना है। एबीसी आईडी आपके विश्वविद्यालय का बनता है, यूनिवर्सिटी का, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। जैसे कि हम पढ़ते हैं एमजीएसयू, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, तो हम उधर एमजीएसयू सर्च करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो मान लीजिए कोई महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, और हरियाणा पंजाब के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, पंजाब में पंजाब यूपीयू में पढ़ रहे हो, नहीं क्या? तो आप ऐसे में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करें, वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। जब हमारे लोकल से लोकल टाटिया, लोकल से लोकल अपना एसकेडी यूनिवर्सिटी का नाम भी उसमें है यार, तो आप तो फिर भी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, नहीं क्या? तो आप सर्च कीजिए और आपका कॉलेज का नाम, आपके यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर मिलेगा। कि दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की और कोई समस्या आ रही है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, एबीसी आईडी नहीं बन पा रही है, या आपकी जो आपका जो आधार कार्ड है केवाईसी में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद की जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, देखते रहिए टेकनेट मी।